जगह में बिल्कुल अकेली गुमनाम सी घुटन सी हो रही है मुझे। मेरी मौत एकदम करीब दिख रही है मेरे बिल्कुल करीब। ग्यारह दिन पहले पूरी दुनिया थी मेरे कदमों में, पर आज पता चला कि मेरी सारी दौलत और शौहरत मेरे किस काम की अगर मैं यहीं मर जाऊंगी। मुझे बचा लो, मैं विनती करती हूँ, मुझे यहाँ से निकल लो, मुझे बचा लो। चलना हम लोग के साथ पार्टी। राशिद भी है, लड़की को अस्पताल लेकर जाओ। कोई पुलिस को बुला। रुको, हम बुलाते हैं पुलिस को। या गुड मॉर्निंग सर। एमएलए कल्याणी जी को कोई शाम से जान से मारने की धमकियां दे रहा है। इस मैटर को सीरियसली लेना होगा क्योंकि चुनाव का वक्त है। यस सर। सर, सर ये वही कल्याणी मिश्रा है जो मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ भी स्टेटमेंट देती रहती है, जैसे उसकी जान को खतरा है, कोई उसे मारना चाहता है। तुम सारा दिन यही देखते रहते हो क्या फोन पे? अरे सर, तभी तो पता चला है ना कि पिछले हफ्ते किसी छत्तीसगढ़ के गैंग ने उनको धमकी दी थी। हो सकता है कि इस बार उन्होंने दी हो। सर एक बार जाके हम देख लेते हैं। सर मैं भी जाती हूँ आकिब के साथ। अरे रुकिए आप, हम जाकर देखते हैं। क्या है कि पुलिस का प्रोटेक्शन तो हमको देना ही होगा ना, फिर चाहे वो मीडिया पर अटेंशन पाने की मंशा से ये सब की हो, हमें तो अपना काम करना ही पड़ेगा। दिमाग मत खराब करो हमारा। हमने कहाँ किसको कितना पैसा दिया है ये हमें किसी को बताने की कोई जरूरत ना है। टिकट मिल गया है हमें, इलेक्शन के लिए हम खड़े हो रहे हैं। कितनी बार बोला है तुम दोनों को, इतना चिपक चिपक के मत चला करो, थोड़ा पीछे से चलो। कल्याणी मिश्रा के नाम का सिक्का चलता है इस शहर में, वरना औकात याद दिलाना हमें भी। हाँ बोलो। क्या कहा? कल्याणी मिश्रा को इसी बात का डर था कि या तो उसका अपहरण होगा या हत्या। बहुत शेराया कर रही थी, देखो शेरा ही गया। कुत्तों से भी तेज नाक है ससुरों, हमसे पहले ही पहुंच गए हैं। खबर दे देंगे किडनैपर से संपर्क बना कि नहीं बना? क्या लगता है आपको, ये पीपल्स पार्टी की चाल है या फिर से एक नया सोशल मीडिया स्टंट? मैडम सब कुछ आप पहले ही डिसाइड कर ली हैं तो हमसे क्यों पूछ रही हैं? हाँ चलिए हटिए, अपना काम कीजिए और हमें भी करने दीजिए। काम ही तो कर रहे हैं, ये हॉकी सिंह को यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। इनको यहाँ से आने मत देना। सर वो बॉडीगार्ड बता रहे थे कि नीले कलर की कोई। बड़ा नीली गाड़ी देखा कोई? गाड़ी जा रहे थे उसमें दो आदमी बैठे थे, बहुत पुराने थे। किस तरफ गई थी? किस तरफ गई थी? सर
सर गाड़ी काफी देर पार्क थी रोड के किनारे, लगभग 30 मिनट तक, पर गाड़ी से कोई उतरा नहीं और उस पर कोई नंबर प्लेट भी नहीं था सर। देख रहे हैं कि बहुत देर से पेट में दबा के बैठे हो कुछ। कल्याणी मिश्रा बच गई ना, तुम्हारे खुमचे के सामने बैठा के उनके साथ तुम्हारी फोटो लगवा देंगे अखबार में। एक आदमी शीशा नीचे करके सिगरेट फेंका था, उसकी छोटी उंगली नहीं थी। छोटी उंगली? डीआईजी साहब, माने आपको इतनी बार बोला कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें धमकियां मिल रही हैं, आपने उनकी बात को सीरियसली लेना जरूरी नहीं समझा? प्रथमेश, हम पता कर रहे हैं। हमारी माँ को घर के पास से किडनैप कर लिया गया, उनके बॉडीगार्ड को गोली मार दी गई, आप पता कर रहे हैं? शांत हो जाओ प्रथमेश, शांत हो जाओ प्लीज। प्रथमेश, हम कल्याणी जी को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे, प्लीज काम डाउन। जल्दी लगाइए डीआईजी साहब, वरना आप सबके लिए ये ठीक नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको। फिक्र मत कीजिए, हम कैसा भी करके उनको ढूंढ कर लाएं। उन्हें डायबिटीज है, हाई बीपी है, मम्मी की अगर एक टाइम की भी दवा मिस हुई ना तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। माँ के सामने लोग भले बोलने से घबराते हो, उनसे कतराते हो, मगर हमारी माँ शरीर से बहुत ज्यादा कमजोर है। अगर माँ को किडनैपर्स ने कुछ कर दिया तो, कहीं उन्हें मार दिया तो हमारा क्या होगा? सब उन्हें कुछ नहीं होगा, और उनको भी तो अपने नाती को गोद में खिलाना है ना। आप इतना स्ट्रेस लेंगी तो बच्चे पे बुरा असर होगा, अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सर, हमें तुरंत कल्याणी जी को अगवा करने वाले आदमी को ढूंढने के लिए निकलना होगा। ऐसी कोई और बात है जो आप लोग हमें बताना चाहें? छत्तीसगढ़ गिरोह की धमकी के अलावा सर, मुझे तो मेरे छोटे भाई अनुराग पे भी शक है। उससे माँ की अनबन चल रही थी, दरअसल उसे बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे चाहिए थे, माँ ने उसे पैसे देने से मना कर दिया तो बेवजह माँ को परेशान करता था। ये लोकल लीडर विशंबर माँ को मजबूर करता था, माँ को मजबूर करता था कि चुनाव से पीछे हट जाए। एक आखिरी सवाल, आज के दिन में कुछ भी ऐसा हुआ जो पहले ना हुआ हो, या ऐसा कुछ जो कि आपको अटपटा लगा हो? आज मम्मी जी मंदिर के लिए 1 घंटा देर से निकली, वो ऐसा कभी नहीं करती थी, वो टाइम की बहुत पक्की है। आगे कॉल टैपिंग और फोन ट्रैकिंग जितना जल्दी हो सकता है इसका सेटअप करवाइए, यह अपहरणकर्ता जो है ना ये कभी भी फोन कर सकता है। हम करवाते हैं सर। गुड, जय हिंद सर। कल्याणी मिश्रा, आज दिन दहाड़े उनका अपहरण हो गया है, कहा जाता है कि अगले चुनाव में उनको टिकट मिला था, क्या इस अपहरण में किसी विपक्ष का हाथ है? वो गरीबों की मसीहा भी है, क्योंकि वो खुद जमीन से उठकर यहाँ तक पहुंची है, और गरीबों को खाना खिलाना वो अपनी परम जिम्मेदारी समझती है। एक तरफ जो गरीबों की मसीहा है, वहीं बाकी लोगों के लिए वो एक खूंखार महिला है जिसके आगे लोग सर झुकाकर चलते हैं। जिस कल्याणी मिश्रा को हम मसीहा मानते हैं, उन्होंने कई उच्च स्तर के सरकारी और बेसरकारी ऑफिसर्स को काम से निकलवा चुके हैं, क्या ये किसी ऐसे ही शख्स का किया धरा है? हाँ सुनो, वो जो 2018 में वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कल्याणी ने बीच चौराहे पे एसएचओ को थप्पड़ मारा था, उसको निकालो, उसको हेडलाइन बनाओ, रिवेंज स्टोरी बनाते हैं। वो फुटेज निकालो कल्याणी मिश्रा की जिसमें सीएम साहब ने उनको बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड दिया था। अरे 2016 में मेरे साथ वीडियो चलाओ उनकी। अजीत, हमें कल्याणी मिश्रा का पता जल्द से जल्द लगाना होगा, परिवार से ज्यादा हमारे ऊपर मीडिया और राजनीतिक प्रेशर है, अगर मीडिया वालों ने कोई ऐसी वैसी न्यूज छाप दी ना तो मुंह छिपाना मुश्किल हो जाएगा। सर वो फोन टैपिंग के लिए सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए कह दिया है, और उनके घर के बाहर 2 हवलदार खड़ा करा दिए सर, वो भी सिविल ड्रेस में, ताकि वहाँ कोई भी एक्टिविटीज हो तो हमें इन्फॉर्म कर सके। सर कल्याणी जी बुजुर्ग है और उनको मेडिकल इश्यूज भी है, अगर किडनैपर्स ने कोई भी लापरवाही की तो उनकी जान भी जा सकती है। हमें पता है अम्मा जब अपनी दवाइयाँ टाइम पे नहीं लेती है तो उनकी हालत क्या हो जाती है। सर कल्याणी जी ठीक हो बस। देखो टीम, ऐसे दुखी होने से कुछ नहीं होगा, किडनैपर को ढूंढने से होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा? जिधर किडनैपिंग हुआ उधर से अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करना होगा। तो पहला टीम पिछले 3 महीने से लेकर आज सुबह तक का इस फैमिली मेंबर का हर आदमी का कॉल रिकॉर्ड निकालेगा, और ध्यान रहे हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। और दूसरा टीम
ये चेक करेगी कि लखनऊ और उसके आसपास के इलाके में कितना अपहरणकर्ता गैंग एक्टिव है और लखनऊ में पिछले एक हफ्ते में कौन गैंग सबसे ज्यादा शिरकत किया, समझ रही हैं? और तीसरा टीम विशंबर यादव और उसके आदमियों की गतिविधियों पर नजर रखेगा। ध्यान रहे कि टाइम कम है हमारे पास। कल्याणी मिश्रा का जितना इतिहास हम जानते हैं उससे तो यही लगता है कि कोई पैसा ऐंठने के लिए ये सब किया है, क्योंकि मर्डर का कोई मोटिव दिखाई नहीं दे रहा है। उतरो, अरे उतरो, उतरो, जल्दी जल्दी, अरे धीरे से उतरो। उंगली भी काट आराम से, बबन क्या कर रहा है? बुजुर्ग है, बिल में लग जाएगी। मैं ना आपका मुंह खोल देती हूँ, लेकिन प्लीज सिल्लामन, वरना ये लोग आपको मार देंगे। तुम लोग क्या चाहते हो? पैसे चाहते हो, ले लो जितना चाहिए उतना, लेकिन तुम्हें है ना मेरी पावर का अंदाजा नहीं है, मैं तुम्हें क्या कर सकती हूँ। कपड़ा क्यों निकाल रहे हैं? ये बम्बन आराम से कर यार। सो इसके मुंह में। हम लोग गाड़ी चेंज कर रहे हैं, निकल रहे हैं, दो घंटे में पहुंच जाएंगे हम लोग। हाँ तब तक सोच लो क्या करना है, कैसे करना है। पागल हो गया क्या? सही हाल में डिलीवर करना है उन्हें। ले जा अंदर, ले जा अंदर। चलिए आराम से लेके चलो। अरे चलो ना। अपने कान खोल कर सुन लीजिए मैडम, अब आप हमारे रहमोकरम पर हैं। किडनैप हुआ है आपका, तो अपने तेवर को थोड़ा कंट्रोल में रखिए और हमारे साथ कोऑपरेट करिए, ताकि हम भी आपके साथ कोऑपरेट करें। काम होने के बाद हंसी खुशी आप अपने घर जाइए और हम अपने। किसके कहने पे किडनैप किया है हमें, विशंबर या अनुराग? एक मिनट, तुम लोग कहीं वो छत्तीसगढ़ वाले लड़के तो नहीं हो जो मुझे फोन करके करके धमकाते थे? हाँ। अरे यार, ये अपने आप ही शरलॉक बनी घूम रही है। मैडम जी, आपका अपहरण हुआ है और हमको किसी ने हायर वायर नहीं किया है। हमारा मन हुआ, हमने उठा लिया, और अब एक भी सवाल मत पूछिएगा। अनु, चुप कराओ ना यार इनको। अब आदत नहीं है मुझे ऐसे रहने की, निकालो मुझे यहाँ से। मैडम, आपको यहाँ सेवा के लिए नहीं लाए हैं, जो है यही है, मैनेज कीजिए चुपचाप। जबरदस्ती रोक सकते हो पर जबरदस्ती खाना तो नहीं खिला सकते हो ना? और अगर मैं मर गई तो तुम्हारे किस काम की है ना शेरलॉक? सकती खाना, कितना तेल है। अनु बैठ, इन सब में तू ही एक समझदार है। मुझे ब्लड प्रेशर है। हम सोच लो, मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारे डील का क्या होगा? ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। सुनो, अब वो ये सब खाना नहीं खाएगी, उनको स्पेशल खाना चाहिए। एक तो प्लान डिले हो गया है, ऊपर से उसका फोन बंद जा रहा है, क्या करना है कैसे करना है, और ऊपर से ये, इसको रोज नए नए पकवान चाहिए। अब इन सब बातों पे बैठ करके कुछ नहीं होगा, जो मांग रही है डेट हो यार, जल्दी से उसको डिलीवर करो और अपना शेयर लो, निकलो, प्लान जैसा है वैसा करो। यार इसे होटल्स बदलना, उसके एटीट्यूड को झेलना अपना पार्ट थोड़ी ना था। देखो यार मिथुन, हमको बताया गया था उसको एक जगह रखेंगे, पैसा लेंगे, बात खत्म।
ऊपर से यार उनके चक्कर में हमें कानपुर घुमा दिया। कब आएगा फोन यार? हेलो, कल्याणी सदन फोन करो और उनसे 3.5 करोड़ की फिरौती डिमांड करो। पैसा कब कहाँ लाना है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। एक नई गाड़ी उठाओ और आगरा के लिए निकलो। क्या आगरा? आगरा क्यों जाएंगे हम लोग? ये तो हमारे प्लान में शामिल नहीं था। हम लोग कल्याणी देवी को भारत भ्रमण के लिए लेके निकले हैं क्या? देखो अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। जैसा बोला है वैसा करो। बार बार सिम तोड़ने से कुछ नहीं होगा, हमें जैमर लगाने पड़ेंगे ताकि सिग्नल्स ब्लॉक हो जाए। रूम में जैमर रखे हुए, जाके लगा दो। ठीक है। देखो अचानक प्लान चेंज कर दिया उसने, हम लोग बहुत बुरी तरह फंस गए हैं और आगे रिस्क ही रिस्क है। डीआईजी साहब, आपकी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची? अभी तक फिरौती के लिए कोई फोन नहीं आया है। और उस एसयूवी का क्या हुआ, पता किया उसका कुछ? कब तक पेशेंस रखूं डीआईजी साहब? कोई किडनैपिंग ग्रुप जिसपे आपको शक हो? पता कीजिए डीजीपी साहब, पता कीजिए। रात हो गई है, अब तक किडनैपर्स का फोन क्यों नहीं आया? वो माँ के साथ क्या कर रहे होंगे? और ये अनुराग, अनुराग अभी तक क्यों नहीं आया? हमने खुद उसे फोन करके माँ के बारे में सब कुछ बताया था, लेकिन उसे तो कुछ पड़ी ही नहीं है। उसे माँ की फिक्र है भी या नहीं? तिवारी सुनो, तुम्हारा जितना भी खबरी लोग है ना, जितना भी लड़का लोग है, सबको इकट्ठा करो, हमको सबसे मिलना है। और कब कहाँ कैसे वो हमको मत बोलो, तुम्हारा वहां रहना जरूरी है बस। क्या हो गया है आपको? सुनाई देना एकदम बंद हो गया है क्या? हम कब से आवाज लगाए जा रहे हैं, खाना ठंडा हो रहा है, रतन और बच्चे वेट कर रहे हैं खाने का। का फोन तो इधर दो। आप इतने धीमे धीमे किससे बात कर रहे थे हैं? बताइएगा। सर, डेटा में इन 3 क्रिमिनल्स के नाम है जिनकी छोटी उंगलियां कटी हुई हैं। तीनों अलग अलग अपहरण केस में शामिल थे, जिनमें से शकील अभी जेल में है, मिथुन और शंकर बरी हो गए थे। लेकिन शंकर का रोड एक्सीडेंट में पैर में लकवा मार गया था, तो बचा सिर्फ मिथुन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। वो जो नीले रंग की एसयूवी है उसका चासी नंबर निकालो। और ऐसे रंग की गाड़ियां बहुत कम होंगी और ये कम से कम 7-8 साल पुरानी होंगी। ठीक है, जल्दी डिटेल्स मैसेज करो। ओके, सॉरी सर। ये मिथुन वही है जो वाइस चांसलर के किडनैपिंग केस में भी इन्वॉल्व था। हाँ सर, इसके साथ दो लोग और भी थे, बकुल उर्फ ढोलकी, बबलू उर्फ भवन। इन्हें किसी पॉलिटिशियन के दबाव में आकर जेल से बरी कर दिया गया था। किडनैपिंग केस की सब फाइलें निकलवानी पड़ेंगी, बाकी लोगों का पता भी उसी से चलेगा। हमारा शक सही था, सालों को पैसे चाहिए। खाना खा लीजिए। ऐसे हम ना खा पाएंगे। साफ साफ प्लेट और चम्मच चाहिए। तुम लोगों ने पैसे के लिए कॉल किया या नहीं? हाँ, इतना ट्रैवल करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। सर पर इलेक्शन है और हमारे पास हमारी इतने नकद खाने ना तो भूखे रह पे। और जब तक मैं नहीं कहूंगा कोई से खाना नहीं देगा, कोई दवाई भी मत देना। अनु चलो कौन खोल देगा। पेशेंस पेशेंस पेशेंस, कब तक रखूं वो पेशेंस? आप हमें पेशेंस ही रखाते रहेंगे। और ये विशंबर यादव को क्यों नहीं पकड़ते आप? डरते हैं क्या उसे पकड़ने से? इडियट्स। प्रथमेश, पुलिस अपना काम कर रही है ना, कुछ टाइम दो उन्हें। अनीता, तुमसे किसी ने कुछ नहीं पूछा। और तुम तो बहुत खुश होगी ना माँ के चले जाने से।
क्योंकि तुमको अपने बिजनेस स्टार्टअप के लिए पैसे चाहिए थे और माँ ने तुम्हें पैसे दिए नहीं, तो तुम तो बहुत खुश होगी। तुम मुझ पे शक कर रहे हो? जैसे उनके जाने से मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सुनने में आया कि मॉम का किडनैप हुआ है। इतने गट्स किस में आ गए कि कोई उन्हें लेकर गया? टफ वर्क। हाँ, कल से तू भी घर नहीं आया है और कल सुबह से माँ भी गायब है। या तो इन सब चीजों के पीछे तेरा हाथ है या तो तू इतना बेगैरत हो गया कि माँ के गायब होने से भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कॉलर मत पकड़िए, जाकर उस किडनैपर का कॉलर पकड़िए। हम तो बस जो सच है वो बोल रहे हैं। आखिर किसी ना किसी की तो दुश्मनी होगी ही ना। बस करिए आप दोनों, क्या कर रहे हैं? मॉम मिसिंग है और आपस में लड़ रहे हैं। और अनुराग, क्या हो गया है तुम्हें? मत करो ये सब प्लीज। हेलो, कल्याणी मिश्रा के बदले 3.5 करोड़। हम बता देंगे कि पैसे कब और कहां देने हैं। कौन बोल रहा है? माँ कहाँ है मेरी? अभी तक तो वो जिंदा है, लेकिन अब उनकी आगे की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। साढ़े 3 करोड़ की डिमांड है किडनैपर की। साढ़े 3 करोड़? 6 करोड़ मांगे थे छत्तीसगढ़ की गैंग ने। उसका मतलब तुम लोग वो नहीं हो। कौन हो फिर तुम लोग? किसने भेजा है तुम्हें? बस इतना समझ लो, उनसे कम लालची लोग। और तुम क्यों इतना फिकर कर रही हो? तुम्हारे घर में तो इससे ज्यादा पड़ा होगा ना। कोई पैसे नहीं मिले कि तुम लोगों को? गली के आवारा कुत्ते हो तुम लोग। औकात ही क्या है तुम लोगों की? तो जिसके लिए काम कर रहे हैं वो उल्टाना चाह रहा है हमें। जाने दे मिथुन प्लीज। भाई बुढ़िया अलग, सोचने के दिमाग खराब होने में ना सर मैं गोली मारूंगा। सर, कल्याणी सदन में रैंसम के लिए कॉल अभी आया है। 3.5 करोड़ का डिमांड है उनका। कॉल डिटेल्स का पता लगाने के लिए बोल दिया है। मिथुन, बकुल और बब्बन ये जिस केस में गिरफ्तार हुए थे उसमें किसी पॉलिटिशियन का भतीजा या भांजा भी था। इस केस को रफा दफा किया गया था। नाम क्या था उसका? सर, अनिकेत वर्मा। अनिकेत वर्मा विशंभर यादव के इलेक्शन कैंपेन्स भी हैंडल कर रहा है। कहीं ये सब विशंभर यादव तो नहीं करवा रहा है? कल्याणी मिश्रा को रास्ते से हटाने के लिए। सर एक सेकेंड, वो एसयूवी के डिटेल्स आए हैं। सर ये नीली एसयूवी तो अनिकेत वर्मा के नाम से रजिस्टर्ड है, तो अगर आप सही है तो विशंभर यादव ने अनिकेत वर्मा को इस्तेमाल करके तो किडनैपिंग नहीं की होगी। सर अगर हमारी बात सही निकली तो कल्याणी जी को ये जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये लोग एक जगह पे नहीं रुक रहे, गाड़ियाँ बदल रहे, लखनऊ, हरदोई, कानपुर, आगरा। अरे यार, अपना ये मेलोड्रामा बंद कीजिए, अपना कंक्लूजन बना रहे हैं। इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये सोचें कि उन्हें बचाया कैसे जाए। अगर कल्याणी जी नहीं मिलती हैं तो ये तो हमारे फेवर की बात है ना। चाचा जी, एक लेडीज ऑफिसर आई है। उनको वहीं बैठाओ और उनसे कहना अभी हम व्यस्त हैं। चाचा जी बिजी हैं अभी। देखिए, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, कहिए उन्हें। आपको इंतजार करने के लिए बोला है ना, आप वो कीजिए, हमें बहुत से काम है। सर इंतजार करने के लिए कहा है, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो हमसे मिलना चाहते। वापस आ जाइए, 2 दिन के बाद देखेंगे, हम ही देख लेंगे सब। आप सब छोड़ के ये किडनैपर्स के पीछे लगिए, न जाने कल्याणी का क्या हाल कर रहे होंगे वो लोग। ओके सर, चलिए। क्या रिपोर्ट? सर अभी तक किडनैपर जिन फेक आइडेंटिटी मिली हुए नंबर से कॉल कर रहे थे उसका ट्रेस नहीं हो पा रहे सर। अच्छा, तो फिर वो सभी फ़ोन नंबर जो पिछले 9 दिन में वो यूज़ किए हैं उनके सर्विस प्रोवाइडर से उनको चेक कीजिए। और बिना जैमर के तो फ़ोन यूज़ किए होंगे ना वो, क्योंकि उनके हिसाब से जैमर का इस्तेमाल सिर्फ
फिरौती मांगने के लिए होना चाहिए। चेक कीजिए और ये भी देखिए कि उन फोन नंबरों से जैमर हटाकर जो कॉल किए तब वो सर्विस टावर से कितने दूर थे, इससे हमें उन्हें लोकेट करने में मदद मिलेगा। और जैसे ही अगला कॉल आए सर्विस टावर को बोलिए हमें तुरंत इन्फॉर्म करें। ठीक है, बताइए। ठीक तो होगी ना? आइए आइए इंस्पेक्टर साहब। तो कैसा है ना कि आपका ये जो अनिकेत है इसकी गाड़ी का कनेक्शन है कल्याणी जी के अपहरण से, और हमें लगता है कि अगर ये बात बाहर आ गई ना तो आपके चुनाव प्रचार पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा। ऐसा कोई भी बात जो आपको लगता है कि आप हमें बता सकते हैं तो ये बिल्कुल सही वक्त है। सर हमें इस केस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अगर आपको लगता है कि अनिकेत इस केस में इन्वॉल्व है तो आप इससे पूछताछ करिए ना। हम नहीं चाहते कि हमारा नाम किसी भी संदेह के घेरे में आए। तो आपके कहने का मतलब है कि अनिकेत को हम अपने साथ ले जा सकते हैं? आपका पूरा सपोर्ट रहेगा हमारे साथ? बिल्कुल ले जा सकते हैं। और हाँ, आपको जो परेशानी हुई उसके लिए हम माफी मांगते हैं। सुनील ले लो भाई। चलो। अरे मुझे क्यों पकड़ रहे हो? अरे मैंने क्या किया? अरे छोड़ो मुझे। धन्यवाद। जाने कौन सी मनुष्य घड़ी में से उठाने का ठेका लिया, जिंदगी नरक हो गई इतनी। ये लोरी तो मैंने कभी नहीं सुनी। इसे बचपन में आपकी माँ गाती थी क्या? बचपन बहुत गरीबी में भी घर में पंखा कम्बल बिस्तर कुछ भी ना था। माँ ये लोरी गाकर सुनाती थी। वही लोरी गाकर अपने आप को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, पर लगता है इस नींद से कभी ना उठूंगी। 9 दिन पहले जब आपको देखा था ना तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि आपने भी ऐसी जिंदगी देखी होगी। 9 दिन पहले की जिंदगी बनाने के लिए मुझे 40 साल लग गए, पर आज मैं फिर से वही 8 साल की कल्याणी हूं जिसके पास कुछ नहीं है। जिस जिंदगी को आपने बनाने में इतने साल लगा दिए वो जिंदगी आपको जरूर वापस मिलेगी। आज मुझे अपनी नई पड़ी है, मुझे अपने परिवार के बारे में उनके बारे में बहुत लगता है। काश मैं उनके साथ इतने सख्ती से पेश ना आती, उनको मैं प्यार देती। तो यह नाम कोई किडनैपर फोन नहीं उठा रहा है।
अनु तू हट जा, अनु तू हट, निकल, छोड़ ना प्लीज, अनु तू हट, रहने दे मैं तुम जा, अनु तू हट, दिखने आता है तेरे को समय, फालतू में तुम्हें मार खाएगी। कितनी अजीब बात है ना, इतने घर वाले हैं, इतना करोड़ों का बैंक बैलेंस है, फिर भी कोई बचाने वाला नहीं है, पड़ी हो सड़ रही है इतने दिनों से। मिथुन, मिथुन सुनना, जाना उनकी दवाइयां लेके आना प्लीज, मिथुन प्लीज जाना, वो बुजुर्ग है। धर्मशाला खोल के रखा हूं। अब आया फोन इसका। हेलो, अब तू ना मेरी बात ध्यान से सुन, हम लोग कोई बंदर नहीं हो, ना ही तुम मदारी, जो जब चाहेगा ना चाहता रहेगा। अब ना तू भूल जा 3.5 करोड़, भूल जा इस बुढ़िया को, अब जो मैं कहूँगा वही होगा, प्लान सब चेंज, जो हम चाहेंगे वो करेंगे, ठीक है? नहीं, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, नहीं ऐसा मत करना, मैं दे दूंगी तुम्हें पैसे, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। हमको जो है ना ये विशंबर और अनिकेत से पूछताछ करनी होगी, क्योंकि वो लोग किडनैपिंग से जुड़े हुए हैं। राकेब, जो मिश्रा फैमिली है ना उन पर नजर रखिएगा, वो भी शक के दायरे में। अवस्थी, आप विशंबर के घर जाकर उनसे कुछ निकलवाने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद एक हवलदार को लेकर किडनैपर के आखिरी एड्रेस को ट्रेस करने की कोशिश कीजिए। ओके सर। सर मैं सच बोल रहा हूँ, झारखंड केस के बाद से मिथुन और उसकी गैंग से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ सर, मेरा यकीन कीजिए। अरे भैया ये क्या बंद करो, क्या है ना बेटा, तुम पहले भी कल्याणी जी को धमकी भरे फोन किए हो, कॉल रिकॉर्डिंग है हमारे पास, तुम्हारा सब संवाद सुने हैं उसमें, और जिसको गाड़ी बेचे हो उसका आता पता भी लापता है। गाड़ी बेचे 6 महीने हो गए, हमारा मिथुन और उसकी गैंग से झारखंड डॉक्टर किडनैपिंग के बाद से कोई लेना देना नहीं है सर। बोलो। क्या खबर? साहब, कल्याणी के किडनैप में कोई यूपी बिहार का गैंग नहीं है, वरना वो तो मैं अपने साथे से पूछकर सब बता देता, आपने बोला था इसलिए पूरी खबर निकाली है, बता दे सुपने। साहब, छत्तीसगढ़ वाले गैंग का प्लान था किडनैपिंग का, 10 करोड़ की फिरौती के लिए। तो ये किसी नए लोकल गैंग का काम है, आप लोग चलिए, हम बाद में बुलाते हैं। ठीक है साहब। यस सर। मिथुन यहाँ रहता है? नमस्ते, आप? माँ हूँ मैं उसकी। माता जी, हमें लगता है कि उसका अपहरण के एक बड़े कांड में हाथ है। पिछले हफ्ते फोन आया था उसका, बता रहा था कि लॉटरी लगने वाली है और फिर उसके बाद अनु नाम की लड़की से शादी करेगा। अनु के बारे में कुछ बताया उसने? कहाँ की है, कुछ भी? हरदोई की है, भाग गई थी उसके चक्कर में घर से, उसके माँ बाप ने भी FIR लिखवा रखी है। FIR? धन्यवाद माँ जी। सर आप बिल्कुल सही थे सर, मल्टीपल नंबर्स को बिना जैमर के भी यूज़ किया गया है, ऐसा लग रहा है उनमें से एक दो किडनैपर हैं जिनको इसके बारे में पूरी जानकारी है, बाकियों को तो शायद सेलफोन ट्रैकिंग के बारे में कुछ पता भी नहीं है। सर पूरे लखनऊ, कानपुर और आगरा जाने में हर बॉर्डर एरिया में सिर्फ बंद कारखानों और हाईवे के होटल के आसपास ही ये नंबर एक्टिव थे सर। गुड,
एक काम कीजिए, जरा ये 1 2 3 4 ये वाला नंबर चेक कीजिए। सर ये सारे नंबर एक ही सर्विस प्रोवाइडर के हैं, लेकिन किडनैपर ने जिन नंबर से पहले कॉल किया था ये नंबर वो नहीं है सर। सारे सिटीज के पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिए हैं कि पिछले 24 घंटे के ड्यूरेशन में कोई भी ब्लू वैन या वाइट एसयूवी दिखी हो तो उसका इन्फॉर्मेशन हमको तुरंत दें। पर हमको कोई हैरानी नहीं होगी अगर ये पता चले कि ये काम विशंबर या उसके भांजे अनिकेत ने किया है। सर अगर ये विशंबर और अनिकेत ने करवाया है तो अब तक तो कल्याणी जी को मार दिया होगा। मेरा मतलब है हमें दूसरी डायरेक्शन में सोचना होगा। मैं हरदोई में अनु के भाई को मिली थी, वही लड़की जिससे फिरौती का फ़ोन करवाया था, वो आज भी अपने भाई से रेगुलरली कांटेक्ट में है और ये नंबर बाकी नंबर्स की तरह चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर हम ये नंबर ट्रेस करते हैं तो हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। और इतना इम्पॉर्टेंट बात आपने हमको कल बताना ज़रूरी नहीं समझा। ये नंबर आप टेक टीम को दे दीजिएगा, वो देख लेंगे। सर दे दिया है। हाँ ठीक है, आगे। सर वो कहावत सुनी है ना आपने, कस्तूरी कुंडली बसे और मृग ढूंढे वन में। अरे हिंदी में बोलिए ना। सर ये सारी प्लानिंग कोई बाहर नहीं हुई है, सब घर के सोफे पे बैठ के हुई है। क्या? सर ये देखिए। हो सकता है कि इन नंबर से अनु अपने भाई को फोन कर रही है, सारे नंबर साथ में खरीदे होंगे। या ये भी हो सकता है कि अपहरणकर्ता अनु और कल्याणी जी रिमोटो फोन सर्विस के आसपास ही हों। अमित, किडनैपर्स ने जो भी नंबर यूज किए हैं उनकी लास्ट एक्टिव लोकेशन क्या है? सर ये नंबर सिर्फ कुछ देर के लिए एक्टिव हुए थे सर, लखनऊ कानपुर और आगरा में, उसके बाद सर ये सब नंबर बंद हो गए थे सर। ये किडनैपर्स कल्याणी जी को लॉज, गेस्ट हाउस और किसी सुनसान जगह में ही रख रहे हैं, और जहाँ पे भी ये किडनैपर्स स्टे कर रहे हैं वहाँ से एक ही कंपनी का सिम यूज किया है इन्होंने। आखिर सर कानपुर आगरा और उसके आसपास के सब पुलिस चौकियों में इन्फॉर्म करो कि वो सारे लॉज, गेस्ट हाउस और मोटोफोन गैलरीज चेक करें, वहाँ जाएं, इनका हुलिया बताएं, और ये जरूर बताएं कि इनके साथ एक लड़की और एक बूढ़ी औरत भी। सर लेकिन आप क्या करने की सोच रहे हैं? कल्याणी जी के परिवार वालों को बुलाऊंगा। ओके सर। मुंह बंद का पैलेस का। अरे रहने दे मत बान, वैसे भी अब इनमें चीखने चिल्लाने की जान ही नहीं बची है। दिमाग खराब हो गया क्या? ये चल रहा है? अब कहाँ जा रहे हैं? अब ये भी खबर मिली कि पुलिस को पता चल गया सब, वो लोग आ रहे हैं। चल रहा है, चल जल्दी। एक तो साला पैसा नहीं मिला ऊपर से। इधर चल, बैठ अंदर, बैठ। अभी के अभी इसको बस काम खत्म। हेलो चुप। सर आगरा पुलिस स्टेशन से पता चला है कि जिस लॉज में वो किडनैपर्स ठहरे थे वहां से उन्होंने अभी अभी चेकआउट किया है, सेम व्हाइट कलर की एसयूवी में। आगे कहाँ जाना है पूनम, जल्दी बताओ। हाँ ये यू टर्न है, यहाँ यहाँ से राइट टर्न, राइट यू टर्न, यू टर्न ले लीजिए। यार पुलिस आ जाएगी भाई, जल्दी करना यार थोड़ा सा। यार आलोक छोड़ना यार, इन्हें जाने देते ना, मत मारना। यार आलोक प्लीज, बात सब आलोक के बात को प्रॉब्लम में आ जाएंगे तो क्यों नहीं समझ रहे? व्हाइट कलर की गाड़ी है, बिहार बॉर्डर के पास देखी गई है। जल्दी बॉर्डर की तरफ चलो, बस थोड़ा दूर और। अभी आगे कहाँ वस्ती, जल्दी बोलो। आगे से राइट लेना है। राइट कितने मीटर बाद? 300 मीटर बाद। 300 मीटर के बाद राइट लो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन फास्टर। बड़ी प्रॉब्लम में फंसा है पुलिस वाली। तो टोलकी टोलकी जल्दी आ, देखना क्या होगी टोलकी। घबराइए मत, अब बिल्कुल सेफ है। मुझे नहीं लगा था कि मैं जिंदा वापस आऊंगी, अपने बच्चों को फिर से देख पाऊंगी। मैंने बहुत गलतियां की है जो मैंने सुधार ली है। थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। आप इस सब के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, आप पहले शांत हो जाइए। आप इस सिचुएशन से एक बेहतर इंसान होकर बाहर आई हैं। लाखों रुपए नहीं,
लाखों लोगों की दुआएं और अपनों का प्यार ही था जो आपको यहाँ तक लेकर आया है। अब जल्दी अपने परिवार से मिल सकती है, कुछ लोगों से तो मिल ही सकती है। हमें यहाँ क्यों बुलाया है, बताते क्यों नहीं आप लोग? हमारी मॉम कहाँ है? हमें मॉम से मिलना है। बताते क्यों नहीं हमारी मॉम कहाँ है, उन्हें किसने किडनैप किया है? इन्हें खुद कुछ बताओगा तब बताएंगे ना। जो मास्टरमाइंड था मिथुन वो तो बच के निकला, अब उसके टट्टू को पकड़कर हीरो बनेंगे ये लोग। ये कौओं की तरह काहे काहे करना बंद करेंगे आप, तो हम कुछ कहें? देखिए ये बात सच है कि मिथुन बच के निकल गया, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम नहीं जानते कि ये सब कौन किया है। शर्म आना चाहिए था तुम्हें प्रीति, ये तो बाहर का था, पर तुम तो उनकी अपनी बेटी थी। अब हम आपको बताते हैं कि हमें कैसे पता कि कल्याणी जी के अपहरण के पीछे कल्याणी जी की लाडली बेटी और उनका ये भोला भाला मासूम सा दिखने वाला दामाद उनके अपहरण में इन्वॉल्व था। आगे जब संपत को मैंने सारे बैंकों में जाते हुए देखा और आनंद लोक में जाके लेंडर से मिलते हुए देखा, तभी मुझे शक हुआ था। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे ये पता चला कि इनके सर पे 3 करोड़ का कर्जा है। इन्होंने अपने मित्र मिथुन के साथ मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया था जो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया और ये कर्जे में आ गए। तो इनके दोस्त मिथुन ने आलोक, ढोलकी और बबन उनको हायर किया और वो पैसों की लालच में आ गए। प्रीति, संपत, तुमने मम्मी के साथ ऐसा किया 3 करोड़ रुपए के लिए? 3 करोड़ नहीं, 3.5 करोड़। 50 लाख किडनैपिंग की फीस भी तो थी। क्यों संपत बाबू, सही कह रहे हैं ना? मॉम ने कभी मेरा सपोर्ट नहीं किया, मुझे पैसों की जरूरत थी और उन्होंने मना कर दिया। हमारा सारा बिजनेस बर्बाद हो गया, क्या करती मैं? प्रीति प्रेग्नेंट थी, पैसे मांगने वालों का फोन आ रहा था, मैं क्या करता? मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मैंने अच्छे मार्क्स से MBA किया है, पर जब इस केस में पुलिस इन्वॉल्व हुई तो मैं डर गया, इसलिए पीछे हट गया। एक बहुत ही दिलचस्प बात बताएं आपको, इतने साल के सर्विस में ना हर क्रिमिनल का यही कन्फेशन सुने हैं हम। अवस्थी, इन दोनों का इंतजाम कर दीजिएगा और आप बाकी हैप्पी फैमिली, आप कल्याणी जी से मिलने जा सकते हैं। आगे आसपास के सारे पुलिस डिपार्टमेंट्स को खबर कर दो, वो मिथुन बच के नहीं निकलना चाहिए। बच के जाएगा कहाँ? क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।